हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 16 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से, साथ ही जो अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है एक एग्जाम टॉपर, इसका भी डाउनलोड लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो इसे भी आप कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस देश ने तायालिनियल 2-1 नामक नई पीढ़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो सही आंसर था आपका ए वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, किस दिन को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को, ठीक है। आंसर होगा आपका डी वाला ऑप्शन। देखिए, ये जो मनाने की शुरुआत जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और जो महान वैज्ञानिक थे APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं के जन्म दिवस को ये विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो की गई थी यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र, उसी के द्वारा की गई थी। 2015 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तब से हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, और ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जो अब्दुल कलाम जी है उन्हीं के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे और जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देख लीजिए अपना। निम्न में से कौन परमवीर चक्र के सबसे युवा विजेता बन गए हैं। तो आपका आंसर होगा जो अरुण खेत्रपाल है, ये परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे युवा जो है बन गए हैं व्यक्ति, ठीक है। वैसे आपको ध्यान रखना है, इनको ये मरणोपरांत दिया गया है ये परमवीर चक्र, ध्यान रखिएगा। और 21 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे 1971 में, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसी के दौरान जो है 21 वर्ष की उम्र में ये शहीद हुए थे, और इस सबसे कम उम्र में ये पदक प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए, ठीक है। चलिए अब देखिए, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये भारतीय सेना के जो है एक अधिकारी थे और इनको ये मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम अलेक्जेंडर ओ एम मैक्सिमा किस देश के सम्राट और महारानी हैं, जिन्होंने भारतीय दौरे के दौरान मोदी से मुलाकात की है। तो आंसर होगा जो नीदरलैंड कंट्री है, ये उसी के जो यहाँ पे विलियम अलेक्जेंडर है ये उसके सम्राट हैं, और जो मैक्सिमा है ये वहाँ की महारानी है, ठीक है, जो अभी भारतीय दौरे पर रहे हैं। और इसी दौरान जो है इन्होंने नई दिल्ली में एक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया है, वो भी हम नीचे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लोटस HR के नाम से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है नीदरलैंड से हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अब बात करते हैं, और चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो यहाँ देखिए, अभी रिसेंटली जो नई दिल्ली के अंदर लोटस HR जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था, और ये इसका सेकंड एडिशन था इस प्रोजेक्ट का, और उसी को लॉन्च के करने के मकसद से ही जो है यहाँ पर इन दोनों का ये भारतीय दौरा रहे। देखिए आपको बता दें, ये जो लोटस HR जो प्रोजेक्ट है, ये जो मतलब कि भारत और नीदरलैंड इन दोनों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसे इंडो डच प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, इंडो डच प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये प्रोजेक्ट क्या है, लोटस HR प्रोजेक्ट क्या है, जो मतलब कि शहरी सीवरेज प्रणाली है, उसमें मतलब कि उसके जो मतलब कि सुधार करने के लिए ही जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व बैंक ने 2019-20 के लिए भारत की GDP दर 7.5% से घटाकर कितनी कर दी है। तो आंसर होगा आपका 6%। यहाँ पे पहले बीते दिनों जो इसने विश्व बैंक ने भारत की GDP घोषित की थी, अनुमानित GDP, वो 7.5% की थी, और अभी इसको घटाकर जो है 6% कर दिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो मतलब कि जो विश्व बैंक, वो जो रिजर्व बैंक वगैरह है, उन्होंने भी भारत की GDP में कमी की है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में बात भी कर लेते हैं।
देखिए विश्व बैंक जो है एक वैश्विक वित्तीय बैंक है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है। ये इसके सदस्य देशों को जो है आर्थिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट देख लीजिए अपना, भारत के सहयोग से बना जाफा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है जो 17 अक्टूबर से संचालित किया जाएगा? तो आंसर होगा श्रीलंका में। देखिए श्रीलंका और भारत दोनों ने मिलकर जो है इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया था, ठीक है, भारत के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है जो 17 अक्टूबर से संचालित हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए श्रीलंका की बात कर ली है हमने तो रानिल विक्रमासिंघे जो यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और जो इसकी कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनपुरा कोटे इसकी कैपिटल है। बाकी इसकी करेंसी तो आपको ध्यान होगा ही, रुपए जो है इसकी करेंसी है, ठीक है, इंडियन रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आंसर होगा आपका 15 अक्टूबर को। ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है और देखिए जो यहाँ पे इसका मकसद है मनाने का वो यही है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके विकास और उनके उन्मूलन के लिए ही जो है ये यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है। इसका विषय था इस बार का वो था रूरल वुमेन्स एंड गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलेंस, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसका थीम रिपीट कर रहा हूँ, रूरल वुमेन्स गर्ल्स बिल्डिंग क्लाइमेट्स रेजिलेंस, ठीक है। तो इस बार का विषय था, इसकी शुरुआत जो की गई थी यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसी के द्वारा इसको 2017 में जो है मनाने की इसकी जो है प्रस्ताव पारित किया गया था और 2018 में जो है इसको मनाया गया था पहली बार 15 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, किस भारतीय सेटलर ने बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है यहाँ पे प्रियांशु राजावत ने। देखिए प्रियांशु राजावत ने जीता है और यहाँ पे मिश्रित युगल का जो खिताब जीता है मिश्रित युगल वो भी भारत ने ही जीता है, जो भारत की जूही देवगन और जो गौरव प्रसाद है इन दोनों ने संयुक्त रूप से इनके इसके अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता है मिश्रित युगल की जो प्रतिस्पर्धा थी उसके अंदर, ठीक है, गोल्ड मेडल। और जो पुरुष एकल की थी वो किसने जीती है? प्रियांशु राजावत ने जीती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, निम्न में से किसे बुकर प्राइज 2019 प्रदान किया गया है? तो देखिए मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डाइन एवरिस्टो इन दोनों को इस बार संयुक्त रूप से ये बुकर प्राइज दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन, उपयुक्त दोनों सही है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो बुकर प्राइज है ये उपन्यास जो साहित्य वगैरह होते हैं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी इस बार ये दिया गया है इन दोनों को और इनका देखिए जो एवटूड है इसका जो उपन्यास था द हैंडमेड्स टेल इसके लिए इनको दिया गया है और जो एवरिस्टो है इनको जो है गर्ल विमेंस अदर के लिए जो उपन्यास इनका उसके लिए दिया गया है ये, ठीक है। तो दोनों कंबाइंड में दिया गया इस बार। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बता दें जो देखिए मतलब कि जो इन्होंने मतलब ये जो आंसर है इसका और सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका और साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे जो मेरे को याद आया है देखिए आपको ध्यान रखना है ये पहली बार किसी अश्वेत महिला को दिया गया है और 30 वर्षों में पिछले 30 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को जो है ये संयुक्त रूप से ये दिया गया है इस बार, ठीक है, कंबाइंड में दिया गया है दोनों को, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, ICC द्वारा सुपर ओवर नियमों में बदलाव के बाद सुपर ओवर की सीमा कितनी कर दी गई है? तो आपका सही आंसर होगा अनंत। देखिए पहले क्या होता था जैसे कि कोई भी सुपर मैच टाई हो जाता था तो उसमें सुपर ओवर करवाया जाता था, अगर सुपर ओवर भी जो है टाई हो जाता था तो फिर उसमें जो है कुछ बाउंड्रीज जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री होती थी जिस टीम की, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है जो विजेता टीम है उसका निर्धारण किया जाता था। लेकिन अभी एक रिसेंटली विवाद हुआ है जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच खेला गया था अभी रिसेंटली, तो उसके अंदर जो है
टाई हो गया था मैच, और जो सुपर ओवर है वो भी टाई हो गया था। उसके बाद जो आईसीसी है इसने डिसाइड किया कि जो मतलब कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री जिसने लगाई है उसने उसको विजेता घोषित किया, तो इंग्लैंड को इसमें विजेता घोषित किया। इसके बाद काफ़ी जो है ये इसमें जो है विवाद हो गया था, उसी के बाद जो है ये आईसीसी ने निर्णय लिया कि अब जो है चाहे से कितनी बार जितनी बार भी टाई हो मैच वो होता रहे, लेकिन जब तक कोई भी एक टीम ज़्यादा रन नहीं बना लेती तो उसको जो है विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाउंड्रीज वगैरह के आधार पर अब विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट अपडेट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही काइस सेद को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा आपका तुनिसिया का। तुनिसिया का नया राष्ट्रपति कौन बने हैं? काइस सेद बने हैं। ठीक है, यहाँ पे तुनिसिया जो है इसकी कैपिटल तुनिस है और जो करेंसी है वो तुनिसी दिनार है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आज की क्विज देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों चर्चा में रहा डिमसा किस राज्य का नृत्य है? जो डिमसा डांस है ये किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, धन्यवाद।